चलिए स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ दिया गया देखिए, बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इक्वल टू जीरो। यहाँ पे भी दो इक्वेशन दिए गए, इनको भी हमें सॉल्व करना है, यहाँ से भी एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ठीक है, तो पहले यहाँ पे देखिए जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाला दिया गया इसको हम थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लेते हैं। ठीक है, चलिए ये दिया गया है हमको, यहाँ लिख लेते हैं बी एक्स अपॉन ए माइनस ए वाई अपॉन बी प्लस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इक्वल टू जीरो। चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंपलेस्ट फॉर्म में करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेंगे, देखिए ए और बी कैल्सियम, ए और बी कैल्सियम आएगा ए बी, तो यहाँ आ जाएगा बी स्क्वायर एक्स और यहाँ आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वाई, फिर यहाँ है आगे आपका प्लस ए प्लस बी है ना, इसको हम इधर ट्रांसफर कर देते हैं तो हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी, प्लस ए इधर आया माइनस ए, प्लस बी इधर आया माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए और ये सेकेंड वाला जो है इसे ही लिखा जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, चलिए अब इसको हम थोड़ा सा और आगे सॉल्व कर ले तो हो जाएगा यहाँ बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ए बी इंटू माइनस ए माइनस बी, और आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू यहाँ हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, और ये जैसे लिखा है वैसे ही एडिटिव लिखा रहेगा बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी प्लस टू ए बी इक्वल टू जीरो, फिर यहाँ लिख लेते हैं बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं नौ, ये वाला इक्वेशन जो है बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इस वाले को ले ले रहे हैं, यानी कि जो दूसरा वाला दिया गया, दूसरा क्या है बी एक्स माइनस ए वाई, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ इन दोनों इक्वेशन में से कोई एक इक्वेशन लेके वाई की वैल्यू निकालेंगे, चलिए हम ले लेते हैं सेकेंड वाला फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, चलिए सेकेंड ले लेते हैं, अब सेकेंड से हम क्या करेंगे वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो माइनस ए अगर हमारे चेस में ट्रांसफर कर दें तो प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए वाई सॉरी माइनस ए वाई अगर हम आर एच एस में ट्रांसफर करते हैं तो प्लस ए वाई हो जाएगा, तो प्लस ए वाई हो गया। ठीक है, इधर कितना है, यहाँ पे है बी एक्स प्लस टू ए बी, बी एक्स प्लस टू ए बी, तो वाई की वैल्यू अगर निकालेंगे तो आ जाएगा बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए। ठीक है, ये वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या करेंगे पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सेकेंड इक्वेशन लेके हमने वाई की वैल्यू निकाली सेकेंड इक्वेशन से, अब वाई की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे। चलिए हम लिख दे रहे हैं पुट y इक्वल टू यहाँ पे कितना बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए, इन इक्वेशन फर्स्ट, इस y की वैल्यू को हम क्या करें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देंगे। चलिए यहाँ पुट कर दे रहे हैं, ये देखिए यहाँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहाँ, ये बी स्क्वायर एक्स, यहाँ लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई, तो वाई की जगह हमें रखना है क्या, y की जगह हमें रखनी है वैल्यू, तो यहाँ पे हम रख दे रहे हैं y की जगह कितनी है वैल्यू, देखिए बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए, यहाँ है बी एक्स प्लस टू ए बी, बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए, ये है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पे और क्या है आगे, आगे यहाँ पे है इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ जगह कौन पड़ रही है उसको थोड़ा सा हम अलग लिख लेंगे, कहाँ लिख लें इधर लिख लें, इधर जगह थोड़ा ये यहाँ लिख लिया, यहाँ पे लिख लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखिए यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ पे है हमारा बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई, वाई की वैल्यू कितनी यहाँ पे, यहाँ देखिए बी स्क्वायर एक्स माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई की जगह रख देंगे ये बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए, यहाँ हम रख देंगे बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए, ये हमने रख दी वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यू क्या रख दी, यहाँ देखिए बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए, बी एक्स प्लस टू ए बी अपॉन ए इज इक्वल टू यहाँ कितना है उसको भी लिख दे रहे हैं, इक्वल टू यहाँ है माइनस ए स्क्वायर बी, यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ देखिए मल्टीप्लाई का साइन है यानी इस वाले ए से ये वाला है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे आया कितना आपका आ गया बी स्क्वायर एक्स माइनस ए इंटू यहाँ पे आ गया आपका बी एक्स प्लस टू ए बी इज इक्वल टू यहाँ जैसे ये लिखा है लिख देंगे ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है, और आगे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ है आपका बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी, यहाँ मल्टीप्लाई करा दे रहे हैं हो जाएगा माइनस ए बी एक्स और यहाँ हो जाएगा माइनस टू ए स्क्वायर बी,
माइनस टू ए स्क्वायर बी, यहाँ माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, एज इट इज जैसे लिखा है वैसे लिख दे रहे हैं। चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, यहाँ सॉल्व करेंगे देखिए बी स्क्वायर एक्स है यहाँ पे, यहाँ पे को लिख दे रहे थे बी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है माइनस ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी प्लस टू ए स्क्वायर बी। देखिए माइनस टू ए स्क्वायर बी इसको आरएचएस में ट्रांसफर किया तो प्लस टू ए स्क्वायर बी यहाँ पे हो जाएगा हमारा। इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे क्या कॉमन ले लें एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पे हमने एक्स कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू यहाँ पे देखिए माइनस ए स्क्वायर बी और प्लस टू ए स्क्वायर बी, यानी आ जाएगा ए स्क्वायर बी यहाँ पे आएगा कितना ए स्क्वायर बी और यहाँ कितना है माइनस ए बी स्क्वायर। ठीक है यहाँ पे देखिए इसको मैं से लिखा रहने दे एक्स इंटू बी स्क्वायर माइनस ए बी इज इक्वल टू यहाँ क्या कॉमन हो रहा है देखिए इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है इन दोनों में अगर हम कॉमन ले लें क्या ए बी कॉमन ले लें, अगर हम यहाँ कॉमन ले लें क्या ए बी या अगर हम माइनस ए बी कॉमन ले लें क्या कॉमन ले लें माइनस ए बी, यहाँ पे अगर माइनस ए बी कॉमन ले लें इक्वल का साइन है ये लगा इक्वल का साइन माइनस, हमने इनमें से क्या कॉमन ले लिया माइनस ए बी कॉमन ले लिया। ठीक है तो बचेगा क्या यहाँ बचेगा बी माइनस ए, यहाँ बचेगा बी माइनस ए तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए अपॉन इधर आ जाएगा कितना आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए माइनस ए बी इंटू बी माइनस ए। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस ए बी में बी कॉमन हो रहा है बी कॉमन ले ले रहे हैं, यहाँ अगर हम बी कॉमन ले लेंगे तो बचेगा बी माइनस ए। ठीक है यहाँ देखिए बी माइनस ए यहाँ भी बी माइनस ए यहाँ कैंसिल और ये बी से ये बी कैंसिल तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ देख देंगे एक्स की वैल्यू आ गई माइनस ए, ये लिख दिया आपने एक्स की वैल्यू निकाल ली एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस ए, अपने वाई की वैल्यू चाहिए तो एक्स की वैल्यू उठा के हम चाहे इक्वेशन फर्स्ट में चाहे सेकंड चाहे यहाँ पुट कर देंगे वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है यहाँ लिख दे रहे हैं पुट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए इन इक्वेशन किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए फर्स्ट सेकंड किसी में, चलिए हम पुट कर देते हैं सेकंड में इक्वेशन सेकंड इक्वेशन सेकंड में पुट करते हैं क्या है बी एक्स माइनस ए वाई बी एक्स बी इंटू एक्स एक्स की वैल्यू कितनी माइनस ए तो माइनस ए रख दिया। ठीक है बी एक्स बी इंटू माइनस ए माइनस ए वाई प्लस टू ए बी माइनस ए वाई प्लस यहाँ कितना प्लस टू ए बी इज इक्वल टू कितना जीरो माइनस यहाँ देखिए बी एक्स टू एक्स की माइनस ए रख दिया माइनस ए वाई प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो अब यहाँ पे हो जाएगा माइनस ए बी और यहाँ कितना है ये देखिए बी इंटू माइनस ए माइनस ए बी और ये है कितना माइनस ए वाई और यहाँ कितना प्लस टू ए बी इज इक्वल टू जीरो तो देखिए यहाँ पे टू ए बी माइनस ए बी माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा ए बी आ जाएगा यानी है यहाँ पे माइनस ए वाई प्लस ए बी इज इक्वल टू जीरो है ना तो यहाँ पे है माइनस ए वाई इज इक्वल टू माइनस ए बी ट्रांसफर कर देंगे तो ये माइनस ए माइनस कैंसिल हो जाएगा ए से ए कैंसिल हो जाएगा यानी वाई कितना आ जाएगा वाई इक्वल टू आ जाएगा बी यानी आपने वैल्यू निकाल ली एक्स की वैल्यू माइनस ए और वाई की वैल्यू बी तो आंसर में यहां लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस ए और वाई की वैल्यू कितनी आई है बी यही हो जाएगा आपका आंसर एक्स की वैल्यू माइनस ए और वाई की वैल्यू बी। ठीक है ऐसे कर सकते हैं आप कर लीजिए।